हेलो फ्रेंड्स, अरियल शिक्षण संस्थान के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हमने शुक्रवार और शनिवार को क्लास ट्वेल्थ और इलेवंथ के दोनों कंबाइन में मैंने एक वीडियो डाला था और इसके बाद दो वीडियो बेसिक कंसेप्ट के डाले थे, जिसमें इलेवंथ क्लास की ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले के बारे में अपने डिटेल में बात की थी। मैं आप सभी से कहना चाहूँगा कि अगर आपने इलेवंथ क्लास की ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले याद नहीं किए हैं तो पहले आप वो याद कर ले, इसके बाद अपन इस चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे डिटेल में। इस चैप्टर में बेसिकली होगा क्या उसकी बात करते हैं कि डिफरेंशिएशन वास्तव में होता क्या है। डिफरेंशिएशन क्लास ट्वेल्थ चैप्टर नंबर 7। आपको यूँ भी लग रहा होगा कि डायरेक्ट 7 चैप्टर चालू क्यों किया, इसका कारण ये है कि पूरी बुक का जो बेस है ना वो डिफरेंशिएशन ही है और इसके बाद इंट्रीगेशन है। कहने का मतलब अगर आपने 7 चैप्टर और 9 चैप्टर अच्छे से पढ़ लिया, और इन्हीं दो चैप्टर को पढ़ने में सबसे ज़्यादा मैक्सिमम टाइम होता है, ये दोनों चैप्टर अगर आपके अच्छे से कंप्लीट है, अगर आपको इसमें से एक भी क्वेश्चन ऐसा है जो नहीं आता है तो आपको दिक्कत करेगा, लेकिन अगर आपको इसमें सारे क्वेश्चन आते हैं तो आप किसी भी चैप्टर में रुकने वाले नहीं हो। ये दोनों चैप्टर मेन बेसिकली बेस का काम करेंगे। बात करते हैं डिफरेंशिएशन की। डिफरेंशिएशन चैप्टर नंबर 7 क्लास 12th, देखो मैंने क्या लिखा है बोर्ड में, डिफरेंशिएशन एक बेसिकली प्रोसेस होती है, उस प्रोसेस का आपको रिजल्ट मिलता है और उसी रिजल्ट को हम डेरिवेटिव कहते हैं। ये क्या लिखा है मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मान लो एक कंप्यूटर है, उस कंप्यूटर के कीबोर्ड में आपने 2+2 लिखा तो वो अंदर प्रोसेस होगा, तो आपने इनपुट किया 2+2 वो अंदर प्रोसेस होगा और आपको बाहर होम स्क्रीन पे क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। तो अंदर 2+2 जो अंदर चल रहा है, अंदर की जो प्रोसेसिंग चल रही है उसको प्रोसेस कहते हैं, हमको जो बाहर रिजल्ट में 4 मिला उसको डेरिवेटिव कहते हैं। लेकिन ये खाली यहाँ समझने के हिसाब से सही है। इसके बारे में हमने 11th क्लास में जब लिमिट एंड डेरिवेटिव का चैप्टर पढ़ा था उस टाइम पे मैंने डिटेल में आपको वहाँ पे समझा के रखा था, तो हो सके तो आप 11th क्लास की लिमिट एंड डेरिवेटिव का चैप्टर का जो बेसिक इंट्रो था कम से कम उसको पढ़ ले। वहाँ पर मैंने आपको एक प्रिंसिपल बताया था, आपको याद हो तो, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल याद आ रहा हो तो ये डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल क्या था, उसमें हमने किसी क्वांटिटी को थोड़ा चेंज किया था, डिफरेंशिएशन किया था, कुछ डिफरेंशिएशन के बेसिक फॉर्मूले लिखे थे और यही फॉर्मूलों का यूज़ हमने फिजिक्स में भी किया था। फिजिक्स में भी एक चैप्टर था, उसके अंदर हमने डेरिवेटिव के बारे में थोड़ी बहुत बात की थी, आज उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो डिफरेंशिएशन क्या होता है, बेसिकली एक प्रोसेस होती है, उस प्रोसेस का हमको जो रिजल्ट मिलता है उसको हम डेरिवेटिव कहते हैं। चैप्टर का नाम ही डिफरेंशिएशन है, तो डिफरेंशिएशन अलग से कोई चीज़ नहीं है, वो एक प्रोसेस का नाम है, जो प्रोसेस को हम फॉलो करेंगे और हमको जो रिजल्ट मिलेगा उसको हम डेरिवेटिव कहते हैं। अब आगे देखते हैं क्या होता है। देखो इसमें भी बेसिकली फॉर्मूले ही हैं, लेकिन फॉर्मूले में जाने से पहले आपको थोड़ा सा बेसिक नॉलेज होना चाहिए। देखो मैंने लिखा y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, हमने 11th क्लास में इस टाइप का बहुत बार पढ़ के रखा है, और मैंने आपको बोला था कोई भी फंक्शन हो उसके सामने अगर कुछ भी दे नहीं रखा है तो हम अपनी मर्जी से y में लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, यानी y जो है वो x का फंक्शन है। आप इसको एक सवाल की तरह पहले समझो नॉर्मली। जैसे देखो मैंने लिखा y इक्वल टू 2x, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब आप यहाँ पर ध्यान से देखो, मैंने x को 1 किया तो y मुझे क्या मिला, 2 × 1 तो 2 मिला। मैंने x को 2 किया तो y मुझे कितना मिला, 2 × 2 मुझे 4 मिला। मैंने x को 3 किया तो y मुझे क्या मिला, 2 × 3 6 मिला। अब आप देख सकते हो, मुझे एक बात यहाँ पे आप बताओ कि आपने चेंज किस में किया, x में चेंज किया कि y में चेंज किया। तो आप यहाँ बोर्ड पे क्लियरली आपको दिख रहा होगा कि हमने x में कुछ रखा हमको y में कुछ मिला, हमने x में कुछ रखा हमको y में कुछ मिला, हमने x में कुछ रखा हमको y में कुछ मिला। कहने का मतलब y में जो चेंज हो रहा है ना वो अपने आप नहीं हो रहा है, अगर आप x को कुछ दोगे तो y में कुछ चेंज होगा। ऐसे नहीं कि आपने y में दे दिया x में चेंज हो गया, नहीं, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का मतलब ये होता है कि y जो है वो x का फंक्शन है, तो अगर आपने इस फंक्शन में चेंज किया तो y में भी अपने आप चेंज हो जाएगा। आप इसको एक एग्जांपल से समझो, जैसे 10 है, आपको किसी ने 2 रुपीज़ दी तो आपके पास कितना हो जाएगा, 12, और आपको बोला किसी ने 2 रुपीज़ मुझे दे दो तो आपके पास कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। कहने का मतलब जो हमारी रियल क्वांटिटी होती है वो कभी बढ़ भी सकती है और वो कभी घट भी सकती है, अगर बढ़ेगी तो प्लस में चेंज होगा, अगर घटेगी तो माइनस में चेंज होगा। तो ये जो चेंज होता है ना उसको हमने फिजिक्स की भाषा में पढ़ा था, याद आ रहा हो तो, रेट ऑफ चेंज, क्या पढ़ा था, रेट ऑफ चेंज। फिजिक्स वाले चैप्टर के अंदर हमने इसके बारे में भी डिटेल में बात की थी, याद आ रहा हो तो मैं आपको और याद करवा देता हूँ। मान लो ये गांव ए है, ये गांव बी है, और इसके बीच की जो डिस्टेंस है वो 10 किलोमीटर है,
तो आपको याद हो तो हम इस डिस्टेंस को कहते थे एस, क्या कहते थे एस। इसी एस का एक नाम और था, अपन ने इसको एक्स भी बोल सकते थे। तो देखो एक्स के अंदर चेंज हुआ किसके रेस्पेक्ट में, टाइम के रेस्पेक्ट में। तो इसको पढ़ने के लिए पहले इसको पढ़ना सीख लो, इसको पढ़ते हैं चेंज इन एक्स विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, मतलब टाइम के साथ में डिस्टेंस में कितना चेंज हो रहा है। जैसे टाइम 5 सेकंड है, आप कहाँ पे हो, टाइम 10 सेकंड है, आप कहाँ पर हो, टाइम 1 मिनट है, आप कहाँ पर हो, टाइम 10 मिनट है, आप कहाँ पर हो, टाइम 1 घंटा हो गया, आप कहाँ पर हो। स्वाभाविक सी बात है, हम हमारे जीवन में भी अगर कहीं आगे बढ़ते ना तो टाइम कैलकुलेट करते हैं कि गाड़ी आज 10 बजे निकलने वाली है और वहाँ सुबह तक पहुँचेगी तो इतने किलोमीटर हुआ, और वहाँ उतरने के बाद में हम इस चीज़ को फील भी करते हैं कि हम वहाँ पे अप्रोक्सीमेट रात को 10 बजे बैठे थे, यहाँ पे 4-5 बजे उतरे। तो वो जो चेंज होता है टाइम के रेस्पेक्ट में, उसी को अपन क्या कहते हैं, रेट ऑफ चेंज कहते हैं। क्या कहते हैं, रेट ऑफ चेंज। तो हमने फिजिक्स में इसके बारे में डिटेल में पढ़ा था, इसको पहले पढ़ना सीखो, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रेस्पेक्ट टू टाइम। तो हमने इसको बोला था वेलोसिटी, क्या बोला था, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला हमने पढ़ा था वी इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी, या फिर वी इक्वल टू डी एस अपॉन डी टी। तो ये वेलोसिटी का एक बेसिक फॉर्मूला था। हमने इसके साथ में एक चीज़ और पढ़ी थी अगर आपको याद आ रही हो तो, कि वेलोसिटी का अगर एक बार और डिफ्रेंशिएशन कर दिया जाए, जैसे वेलोसिटी का फॉर्मूला आया डी एक्स अपॉन डी टी, और मैं बोलूँ इसका एक बार और डिफरेंशिएशन करो तो हमको क्या मिलता था, एक्सेलरेशन मिलता था, जिसका आंसर होता था डी टू एक्स अपॉन डी टी टू। ये सारा 11th क्लास की फिजिक्स में मैंने पढ़ा के रखा है, मैं खाली एक बार आपको याद दिला रहा हूँ। वैसे हमारे यहाँ इसका कोई बेसिकली यूज़ नहीं है। तो सबसे पहले बात करते हैं डिफरेंशिएशन की। डिफरेंशिएशन एक प्रोसेस होती है, उस प्रोसेस का हमको जो रिजल्ट मिलता है उसको हम डेरिवेटिव कहते हैं। वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स फंक्शन होता है, उस फंक्शन को मैंने यहाँ से आपको डिटेल में समझाया। अब आगे देखो, मैं चाहूँ ना तो अभी डायरेक्ट बुक के क्वेश्चन चालू कर सकता हूँ, लेकिन डायरेक्ट क्वेश्चन अगर पढ़ाऊंगा ना तो आपके समझ में कुछ नहीं आएगा, इसलिए एक बार बेस मजबूत कर लो, फिर आप आगे क्वेश्चन मिलाओगे ना, आप कहीं रुकोगे नहीं। तो देखो y इक्वल टू 2x, हमने x इक्वल टू 1 रखा, y इक्वल टू 2 मिला, x इक्वल टू 2 रखा, y इक्वल टू 4 मिला, x इक्वल टू 3 रखा, y इक्वल टू 6 मिला। कहने का मीनिंग ये हुआ कि आपने x में चेंज किया, आपने x में चेंज किया तो आपको अपने आप किस में चेंज मिल गया, y में चेंज मिल गया। कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे दो क्वांटिटी है, कौन कौन सी, देखो एक क्वांटिटी होती है जिसको बोलते हैं डिपेंडेंट, और एक क्वांटिटी होती है जिसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट। कहने का मतलब इसमें डिपेंडेंट कौन है और इंडिपेंडेंट कौन है, तो कहने का मतलब ये, जैसे x है, आपने x को 1 दिया, उसने x को 1 ले लिया और उसने अपने आप y को 2 दे दिया। आपने x को 2 दिया तो y को 4 मिल गया, आपने x को 3 दिया y को 6 मिल गया। तो इन दोनों में x और y में बधा हुआ कौन है, अपने आप में, कि भाई वो मुझे देगा तो ही मुझे खाना मिलेगा। उस टाइप से आप इसको सोच के देखो, जैसे मान लो कि बच्चा अगर भूखा है, उसका एक पर्टिकुलर टाइम है, भाई उसको उसी टाइम पे खाना मिलता है, तो इसमें डिपेंडेंट कौन है और इंडिपेंडेंट कौन है। तो हम देख रहे हैं x को वैल्यू अगर हम दे रहे हैं ना, हम हमारी मर्जी से दे रहे हैं, तो हम इसको आंसर दे रहे हैं वो मर्जी से दे रहे हैं, लेकिन y को वही मिलेगा जो हम x को देंगे। कहने का मतलब ये x जो होता है ना इसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट, और ये जो y होता है इसको बोलते हैं डिपेंडेंट। अगर आपने इस x को 2 नहीं दिया होता तो इस y को 4 कभी नहीं मिलता, अगर आपने इस x को 3 नहीं दिया हुआ होता तो ये y को 6 कभी नहीं मिलता। कहने का मतलब x जो क्वांटिटी ले रहा है ना वो अपनी मर्जी से ले रहा है। तो यहाँ पे x को क्या बोला जाएगा, इंडिपेंडेंट, और y को वही मिलेगा जो x को मिलेगा, तो ये क्या कहलाएगा, डिपेंडेंट कहलाएगा। तो हम क्या करेंगे, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का जो भी फंक्शन दिया हुआ रहेगा उसमें थोड़ा सा चेंज ऊपर करेंगे, थोड़ा सा चेंज नीचे करेंगे। तो ये जो हम थोड़ा थोड़ा सा चेंज करते ना, इसी चेंज को एक नाम दे दिया गया था, जिसकी प्रोसेस को बोला डिफरेंशिएशन, उस प्रोसेस का जो आंसर मिला उसको बोला डेरिवेटिव। ठीक है, तो हमको यहाँ पे डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट को थोड़ा सा पहचानना था। अब आगे बढ़ते हैं और देखो, तो आप इसको अच्छी तरह से याद कर लेना कि x जो है वो इंडिपेंडेंट है और y कौन सा होता है, डिपेंडेंट होता है। x को अगर आप 5 दोगे तो y को 10 मिलेगा, अगर आप x को कुछ नहीं दोगे तो y को कुछ नहीं मिलने वाला है। अब आप मेन चैप्टर के ऊपर आ जाते हैं। देखो y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स हमने कोई ये फंक्शन मान लिया, जब हम इन चीज़ों को सवाल में ऑपरेट करेंगे ना तब आपको अपने आप समझ में आएगा। ये खाली एक बार बेस है, बेस को थोड़ा सा समझ लिया करो। मैंने काम किया, थोड़ा सा चेंज किया, जैसे आपने सवाल में अभी देखा था y इक्वल टू 2x, आपने x को 1 किया तो y आपको क्या मिला, 2 मिला। आपने x को 2 किया, आपको y कितना मिला, 4 मिला। सेम टू सेम हम थोड़ा सा चेंज करते हैं। तो देखो आपने x में थोड़ा सा चेंज किया तो आपको क्या मिला, 2 मिला। आपने थोड़ा सा और चेंज किया तो आपको 4 मिला।
तो आप जब x में चेंज कर रहे हो तो y में भी तो चेंज हो रहा है। आपने x को 2 दिया तभी तो y 2 बना, आपने x को मान लो 3 दिया तो ये 6 बन गया, तो y को अपने आप 6 मिल जाएगा। कहने का मतलब ये है कि आप अगर x में चेंज करते हो ना तो y में अपने आप चेंज हो जाता है, और इस चेंज का एक नाम होता है जिसको कहते हैं डेल्टा x। क्या कहते हैं? डेल्टा x। और इसको पढ़ना कैसे है? इसको ऐसे पढ़ते हैं, चेंज इन x। अगर ऐसा लिखा हुआ है डेल्टा y तो इसको ऐसे पढ़ेंगे चेंज इन y। अगर ऐसा लिखा हुआ है डेल्टा z तो इसको पढ़ेंगे चेंज इन z। तो आप चेंज किस में कर रहे हो? आप x में चेंज कर रहे हो और y में भी थोड़ा बहुत चेंज होगा, तो ये जो चेंज होता है इसको अपन डेल्टा x कहते हैं। क्या कहते हैं? डेल्टा x। डेल्टा x बोल दो, डेल्टा y बोलो, डेल्टा p बोलो, वो आपकी मर्जी है। तो देखो हमने इसमें थोड़ा सा चेंज किया, x को 1 दिया इसमें भी थोड़ा चेंज हुआ, x को 2 दिया y में भी चेंज हुआ, तो ये जो थोड़ा सा चेंज होता है इसको मैं लिखूंगा y प्लस, सॉरी मार्कर का थोड़ा इशू है, देखो मैंने लिखा y प्लस डेल्टा y इक्वल टू f ऑफ x प्लस डेल्टा x, इक्वेशन नंबर सेकेंड। ध्यान से देखो, मैं थोड़ा सा वापस बता रहा हूँ, ये बेस है इसलिए बेस को अच्छे से समझ लेना है। आपने x में कुछ रखा आपको y में मिला, आपने x में कुछ रखा आपको y में मिला, तो आप x में जो थोड़ा सा चेंज कर रहे हो ना इसको अपन डेल्टा x कहते हैं। तो वहाँ पर भी चेंज होगा तो y में भी कितना चेंज हुआ? डेल्टा y हुआ। अब क्या हुआ आगे समझो, जैसे मान लो यहाँ 0 किलोमीटर है और यहाँ पे 100 किलोमीटर है, अगर आप यहाँ से मान लो यहाँ पे चल के आए और यहाँ पे 50 किलोमीटर है, मैं आपसे पूछूं कि 50 के बाद जब आप यहाँ 100 तक आए आप में कितना चेंज हुआ? आप में का मतलब आपकी डिस्टेंस में कितना चेंज हुआ? तो आप क्या बोलोगे? सर यहाँ पे 50 था अब यहाँ पे 100 है, तो 100 में से 50 को माइनस कर देते तो चेंज कितना हुआ वो पता पड़ जाएगा। जैसे मान लो किसी बच्चे के पास 5 रुपये हैं, आपने उसको 10 रुपये और दिए, उसके पास कितने हो गए? 15 हो गए। तो मैं आपसे पूछूं चेंज कितना हुआ, तो आप क्या करोगे? 15 में से 5 को माइनस ही तो करोगे। तो ये जो माइनस करके जो हम आंसर निकालते ना वही चेंज कहलाता है, या फिर हमने प्लस करके जो आंसर निकाला उसी को हम चेंज कहते हैं। तो हम बात करें कि हमने x को कुछ दिया तो y में भी चेंज हुआ, तो कितना चेंज हुआ था? हम एक काम करेंगे, f ऑफ x प्लस डेल्टा x फंक्शन कहलाता है और ओनली x और ओनली x प्लस डेल्टा x रियल क्वांटिटी कहलाती है। इन दोनों में भी फर्क है, आप ये ध्यान रखना, x प्लस डेल्टा x और x ये तो है रियल क्वांटिटी, और x प्लस डेल्टा x इसके आगे अगर f लगा हुआ है और इस x के आगे भी f लगा हुआ है तो इसको बोलते हैं फंक्शन की क्वांटिटी। क्या बोलते हैं? फंक्शन की क्वांटिटी। तो ये थोड़ा सा आपको समझना है। तो चेंज कितना हुआ हम उसकी बात करते हैं। देखो तो चेंज के लिए सिंपल माइनस करना है, तो पहले क्या करेंगे? फंक्शन को माइनस कर, चेंज कितना हुआ इसके अंदर, तो यहाँ लिख देते हैं चेंज इन डेल्टा एक्स। एक काम करते हैं एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स। हमने क्या किया, फंक्शन में कितना चेंज हुआ था इस फंक्शन में से इस फंक्शन को माइनस कर दिया। अब बात करते हैं रियल क्वांटिटी में कि रियल क्वांटिटी में कितना चेंज हुआ, तो रियल क्वांटिटी क्या थी? x प्लस डेल्टा x थी, तो इसमें से इसको माइनस कर देते हैं, तो x प्लस डेल्टा x माइनस x, ये सारा चेंज हो रहा है किस में? x में हो रहा है। तो इसको ऐसे लिखते हैं चेंज इन x विथ रेस्पेक्ट टू y। कहने का मतलब आप x में अलग अलग आंसर पुटअप कर रहे हो तो आपको y के अलग अलग आंसर मिल रहे हैं, तो इसको ऐसे पढ़ते हैं चेंज इन x विथ रेस्पेक्ट टू y। मैंने अभी आपको बता के रखा था, अगर ऐसे लिखा हुआ आया dp अपॉन dt तो चेंज इन p विद रेस्पेक्ट टू टाइम, अगर ऐसे लिखा हुआ आया dx अपॉन d थीटा तो चेंज इन x विद रेस्पेक्ट टू थीटा। तो पहले जैसा आप बोलना सीख लो कि इसको बोलते कैसे हैं। आगे देखो, तो हमने देखा कि इस क्वांटिटी के अंदर चेंज कितना हुआ, इसमें से हमने इसको माइनस कर दिया, तो हमने देखा डेल्टा x अपॉन डेल्टा y इक्वल टू f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस f ऑफ x अपॉन x प्लस डेल्टा x। अब आप इसको सिंप्लीफाई करो तो देखो क्या आंसर आएगा। अब ध्यान से देखो f ऑफ x प्लस डेल्टा x यानी ये रहा, तो क्या मैं इसका आंसर y प्लस डेल्टा y लिख सकता हूँ? लिख सकता हूँ। तो मैंने इसका आंसर लिखा y प्लस डेल्टा y माइनस f ऑफ x, f ऑफ x का आंसर कितना है? y है, तो मैंने y लिखा अपॉन x प्लस डेल्टा x माइनस x। तो देखो माइनस x प्लस x कट गया, y y से कट गया। अगर आप ये चीज़ सामने नहीं लिखोगे ना तो भी चलेगा, किसमें कितना चेंज हो रहा है अगर ये नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, क्योंकि ये इसी से आंसर अपने आप आएगा। तो देखो आगे, तो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स आंसर आया। क्या आंसर आया? डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। और जब आप ये डिफरेंशिएशन का चैप्टर पढ़ोगे ना, उस चैप्टर में आपको हर बार डी वाई बाई डी एक्स, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, डी वाई बाई डी एक्स, ये बार बार मिलेगा। तो
तब आपको पता पड़ेगा इस चीज़ को हमको रटना पड़ रहा है, तो रटना नहीं है, ये थोड़ा सा कंसेप्ट है, इस कंसेप्ट को समझ लेना है। तो हमने देखा कि हमने इसमें से इसको माइनस कर दिया और रियल क्वांटिटी में से रियल क्वांटिटी को माइनस कर दिया, तो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स और एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एक्स, इसमें से इसको माइनस किया। अब x प्लस डेल्टा x का आंसर y प्लस डेल्टा y है और f ऑफ x का आंसर y है, तो देखो y प्लस डेल्टा y माइनस y अपॉन x प्लस डेल्टा x माइनस x, y से y कट गया, x से x कट गया, डेल्टा y अपॉन डेल्टा x। तो इसको पढ़ेंगे कैसे, इसको ऐसे पढ़ना है, चेंज इन y विथ रेस्पेक्ट टू x, मतलब y में कितना चेंज हुआ किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में। आपने x को अलग अलग आंसर दिया तो y में भी अलग अलग आंसर आया। अब क्या होता है, अब आप आगे देखना थोड़ा ध्यान से, ये जो चेंज हो रहा है इसको हम ऐसे भी ट्रीट कर सकते हैं कि अगर मान लो डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स, इसमें जो चेंज होता है वो अगर अप्रोक्सीमेट जीरो के आसपास चलता है। देखो दो चीज़ें होती है, मैं अगर लिखूं एक्स इक्वल टू जीरो और मैं लिखूं एक्स टेंस टू जीरो, तो दोनों में फ़र्क है, दोनों में क्या फ़र्क है, देखो एक्स इक्वल टू जीरो का मतलब ये होता है कि एक्स का आंसर एग्जैक्ट जीरो है, लेकिन x टेंस टू जीरो का मतलब क्या होता है कि x जो है वो धीरे धीरे जीरो की ओर जा रहा है। आप ऐसे समझो यहाँ पर कोई गांव A है, यहाँ पे कोई गांव B है और यहाँ पे कोई गांव C है। अगर कोई व्यक्ति चलते 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 अगर ऐसे आएगा और मैं बोलूँ वो आ रहा है और एग्जैक्ट जैसे मान लो यहाँ पे अगर मान लो मुंगाना है, तो आप अगर चलते 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 इसके पास आओगे, तो मैं बोलूँ अगर आपने बीच वाली लाइन पे पाँव ऐसे रख दिया तो आप एग्जैक्ट तो मुंगाना में आ चुके हो, लेकिन ऐसा नहीं है रियल में, आप मुंगाना की ओर जा रहे हो। जैसे मान लो ये ए है, ये बी है और ये सी है, ये अलग अलग तीन गांव है, आपने ए से चलना चालू किया, आप चल रहे हो चलते 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 आप एग्जैक्ट बी पे नहीं आए हो, आप नाम मात्र यहाँ पर हो, इसके कोने पर हो। जैसे मान लो यहाँ पर कोई है, यहाँ पर अगर ये मुंगाना है तो आप एग्जैक्ट यहाँ पर हो, आप एग्जैक्ट इसके पीछे हो, मतलब आपने यहाँ से चलना चालू किया ऐसे 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 और आप एग्जैक्ट यहाँ पर हो, तो इसको बोलते हैं टेंस टू। क्या बोलते हैं? टेंस टू। लेकिन मैं बोलूँ आप चलना चालू करो और ये रहा मुंगाना और आप ऐसे चलते चलते और आप यहीं पर आकर रुक गए, तो इसको बोलते हैं इक्वल टू जीरो। क्या बोलते हैं? इक्वल टू जीरो। तो दोनों में भी फर्क होता है, एक होता है टेंस टू और एक होता है इक्वल टू। इक्वल टू का मतलब आप एग्जैक्ट उस क्वांटिटी को बिलोंग करते हो और टेंस टू का मतलब होता है आप धीरे धीरे उसकी ओर जाने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन आप एग्जैक्ट वहाँ पे पहुँचोगे कभी भी नहीं। आप जीरो के पास में जाना चाहते हो, चाहे आप पॉजिटिव डायरेक्शन से जाओ चाहे आप नेगेटिव डायरेक्शन से जाओ, आप दोनों तरफ से जा रहे हो लेकिन एग्जैक्ट जीरो पे कभी भी नहीं आ रहे हो। अगर आप कभी भी नहीं आओगे तो इसको बोलते हैं एक्स टेंस टू जीरो, और अगर आप आ गए तो इसको बोलते हैं x इक्वल टू जीरो। ये दोनों बातें आपको अच्छी तरह से ध्यान रखनी है। तो आगे देखो, ये कुछ नहीं है, खाली बेस है इसका, कहीं कोई यूज नहीं हो रहा, हमको तो फॉर्मूले से ही सवाल को आगे बढ़ाना है। लेकिन जब बार बार dy बाई डी एक्स डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा टी ऐसा कुछ लिखा हुआ आएगा तो आपको यूं लगेगा ये चीजें आ कहां से रही है, इससे थोड़ा सा आपके कंसेप्ट डेवलप हो जाएगा। अब क्या हुआ, अगर ये x में थोड़ा सा चेंज होता है तो मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो। कहने का मतलब हमने एक्स में पहले 1 रखा, फिर हमने 1.1 रखा, फिर हमने 2 रखा, 1.2 रखा, 1.3 रखा, 1.4 रखा, 1.5 रखा, तो हम एक्स के अंदर धीरे 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 चेंज कर रहे हैं। हम जैसे आपको बोला जाए आपको 2 पे चेक करना है, लेकिन आप एग्जैक्ट 2 पे नहीं जा सकते हो। अगर 2 पे चेक करना होता तो मैं एक्स इक्वल टू 2 ही लिख देता, लेकिन आपको अगर ऐसा लिखा हुआ आया एक्स टेंस टू 2, तो कहने का मतलब आप पॉजिटिव डायरेक्शन से आओ या नेगेटिव डायरेक्शन से आओ आप एग्जैक्ट 2 पे कभी भी नहीं जाओगे। अगर आप उस पे चले जाओगे तो फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी वो तो अपने को क्वेश्चन से पता पड़ेगा। तो जब भी लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 हो जाए तब आप इसको क्या लिख सकते हो, आप इसको लिख सकते हो dy बाय dx, और इसी dy बाय dx को अपन डिफरेंशिएशन कहते हैं। और ये जो डिफरेंशिएशन होता है ये एक प्रोसेस होती है, हमको ये जो आंसर मिलेगा क्वेश्चन का उसको हम कहते हैं डेरिवेटिव। क्या कहते हैं? डेरिवेटिव। तो ये इसका थोड़ा सा बेस था। आपको क्वेश्चन में हर बार हर जगह पे dy/dx दिखेगा तब आप परेशान हो जाओगे और तब आप पूछोगे ये सब चीज़ें क्या है। तो ये थोड़ा सा कंसेप्ट है, आपको कंसेप्ट याद रखना है। dy/dx का मतलब होता है चेंज इन y विथ रेस्पेक्ट टू x। अगर आपने डेल्टा x को थोड़ा सा जीरो की ओर बढ़ाया आप एग्जैक्ट जीरो पर कभी भी नहीं जाओगे। अगर जाओगे तो फिर मुझे ऐसा लिखना पड़ेगा, लेकिन अगर आप जाने की कोशिश कर रहे हो तो मैं ऐसा लिखूंगा। ठीक है, बेसिकली डिफरेंशिएशन के चैप्टर में बार बार आपको dy/dx दिखेगा, तो ये आपको परेशान ना करे इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा डिटेल में बता दिया।
अब इसी के बेस पे हम कल फॉर्मूले के बारे में बात करेंगे, तो आपको ये बेस अगर एक दो बार कॉपी में लिखोगे ना तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ इस बेस को एक बार अच्छे से पढ़ें, पढ़ने के बाद में इसको एक दो बार कॉपी के अंदर लिखें, इलेवंथ क्लास की ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले एक बार याद कर लें, याद नहीं हो तो उनको एक बार कॉपी में वापस लिख दें। लिखने के बाद में मैं कल कुछ फॉर्मूले और लिखवाऊंगा और इसके बाद डिफरेंशिएशन के अपन चैप्टर नंबर 7.1 पे आ जाएंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।